असलम डी एयर लर्नर्स पोटेंशियल ऑन्टरप्रनीस एंड ऑनटरप्रोर्स इन एक्शन वेलकम इन द वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है uh, हम आपको ऑन्टपनीरशिप के जितने भी रेलीवेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में ब्रीफ uh, भी कर रहे हैं और उनसे रेलीवेंट जितने भी एक्सपर्ट्स हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री उनको बुला रहे हैं और उनको इंटरव्यू भी कर रहे हैं और उनकी जो इंडस्ट्री इनसाइट्स हैं वो भी आपसे शेयर कर रहे हैं तो आज की मशीन uh, लर्निंग के दौर में ये मुमकिन ही नहीं है कि हम टेक ऑनटरप्रनीरशिप के बारे में बात ना करें और टेक ऑन्टरप्रीनियोरशिप के बारे में बात करने के लिए आज हमने शराज परवेज़ को ओवर अ कप ऑफ़ टी रोक लिया है uh, शराज जो हैं ही इज़ वी पी एंड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन जर्मन आई टी और uh, हमारे वी uh, यू के जो सॉफ्टवेयर हाउस हैं uh, उसके अंदर भी इनका एक काफ़ी अहम रोल होता है एटीन ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है एम एस जर्मनी से किया है बी एस कैनेडा से किया है और उसके अलावा मल्टीपल uh, uh, जिसे कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से इनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है तो पहले तो शराज थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे पास रुके आज चाय पे सबसे पहले हमें ये बताइए टेक है, है क्या सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का टेक uh, इंटरप्रेनोरशिप को आसान लफ्जों में समझें कि आज सबको फेसबुक का पता है ठीक है uh, सबको माइक्रोसॉफ्ट का पता है तो इनके जो दोनों के को फाउंडर्स हैं लाइक like जो मार्क uh, जकरबर्ग है फेसबुक का और जो बिल गेट्स है वो थोड़ा पुराना लेकिन बिल गेट्स इज वर्ल्ड सेकेंड रिचेस्ट पर्सन तो इन दोनों को दे आर टिपिकली टेक इंटरप्रिन क्योंकि दे आर हैविंग एन एजुकेशन इन टेक्नोलॉजी लाइक फॉर एग्जाम्पल जकरबर्ग का क्यों ज़्यादा लेटेस्ट है वो सबको ज़्यादा पता होगा फेसबुक का ही वॉज अ हावर्ड ग्रेजुएट नॉट ग्रेजुएट हावर्ड स्टूडेंट राइट ड्यूरिंग स्टडीज ही वॉज़ वेरी गुड एट प्रोग्रामिंग उसको एक आइडिया आया विद विद विध फ्रेंड्स उसने वो आई पे काम करना शुरू कर दिया उस आइडिया को उन्हें इनिशियली एक प्रोडक्ट बनाया जिसको हम लोग टेक्निकली एम बोलते हैं मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट वही मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट आज कल फेसबुक है ठीक है तो ही वॉज बेसिकली अ डिवेलपर सॉफ्टवेयर डिवेलपर तो आ, जो सबसे बड़ी हमारे माने में आती है ना कि मैं टेक इंटरप्रनोर बन गया हूँ क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस में इनरोल कर लिया है तो दिस इज़ रॉन्ग एक्चुअली तो आपको आपको पहले टेक्नोलॉजी सीखनी है और उसके ऊपर फिर आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके आपने फिर वीसी से फंडिंग रेज करनी है फिर आपने प्रोडक्ट को ग्रो करना है अब आज अगर आप आज फेसबुक का इको देखें फेसबुक के साथ आपका व्हाट्सएप इंडिकेटेड है व्हाट्सएप के अंदर आपका इंस्टाग्राम इंडिकेटेड है फेसबुक की अपनी करेंसी आ रही है फेसबुक पर आप बंदे हायर कर सकते हो लाइक like लिंकड आगे जाके दे वॉन्ट टू लॉन्च देयर मार्केट प्लेस ऑल्सो राइट अगर अगर आप उनका ये देखें ना टेन ईयर रोड मैप तो दे वॉन्ट टू बी दे वॉन्ट टू एक्चुअली बीट लिंकड इन एमेजोन एंड माइक्रोसॉफ्ट और यह सबको हमें पता है कि लिंकड इन माइक्रोसॉफ्ट ने एक वायर कर लिया हुआ है तो जब जब हम लिंकड इन की बात करते हैं तो दे आर एक्चुअली टारगेटिंग माइक्रोसॉफ्ट ठीक है तो वाट आई एम सेंग इज के टेक इंटरप्रीनोरशिप बेसिकली है कि यू लर्न अ टेक्नोलॉजी यू बिल्ड सम थिंग ओवर इट यूज इन टेक्नोलॉजी मतलब आप ये मत समझें कि क्योंकि आपने कंप्यूटर साइंस में एनरोल कर ली है

लेकिन आ गई अच्छा है। है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ क्योंकि तो हमने जब आ, आ, को बुलाया तो उनका फिलहाल तो ऐसा ही था उसके चैलेंज के हवाले से बात कर रहे थे जो टेक इंडस्ट्री है ये बाकी इंडस्ट्रियों से किस तरह मुख्तल है इसके क्या डायनामिक्स होते हैं देखें सबसे पहली चीज जो हमें समझने की जरूरत है ना वो ये है कि मैंने कोई टिपिकल इंटरप्रेनोर है वो कहते हैं जी मैंने फैक्ट्री लगानी है एग्जाम्पल देता हूँ तो उसको बहुत ज्यादा फंडिंग चाहिए होगी जगह चाहिए होगी मटेरियल uh, चाहिए होगा कोई प्रोडक्ट बनेगा एंड सो ऑन टेक इंडस्ट्री का इट्स अदर वे अराउंड आपको कोई बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए यू कैन जस्ट यू शुड हैव अ लैपटॉप गुड इंटरनेट कनेक्शन वर्क फ्रॉम होम आप लोगों ने सबने आजकल बहुत सुना सुनाओा कोविड की वजह से आई टी इंडस्ट्री इज दिगेस्टिशरी जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो जो ऑफिस के एक्सपेंसिस है, है, हैं मतलब घर से प्रोडक्टिविटी मतलब हमें देखने में आया कि लोगों की घर से प्रोडक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्क फ्रॉम ऑफिस देर आर सर्टन एक्सेप्शन लेकिन जनरली तो जब हम आई टी वर्ल्ड की बात करते हैं ना तो आई टी वर्ल्ड का एक्चुअली बूम आया है कोविड क्योंकि कंपनीज कर रही हैं फ्रॉम ब्रिक एंड मोटर बिजनेस टू ऑनलाइन एक ई e कॉमर्स है ना ये इसकी क्लासिक एग्जाम्पल है अच्छा ये चीज ना खाली पाकिस्तान के लिए वैलिड नहीं है आई एम बी वर्किंग जर्मन कंपनीज उनके मैप में भी ना जो काम दो हजार छब्बीस में करना था ना उन्होंने नाउ दे डूइंग इन तो कहते हैं कि ये वी 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 कैन 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 नॉट 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 अवेल मिस मिस अफोर्ड टू बोम भी किया आई टी ग्रो भी किया अगर तो पाकिस्तान I mean, कि तीन बिलियन यूएसडी की एक्सपोर्ट होगी अब एक्सपोर्ट किस चीज की कर रहे हैं हम लोग कोई मैं, कोई मतलब कोई फिजिकल चीज सुन नहीं है ना सर्विसेज की कर रहे हैं ब्रेन की कर रहे हैं सर्विसेज क्या है कि हम ज्यादातर जो पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर हाउस क्लाइंट्स यूरोप बेस्ड क्लाइंट्स ऑस्ट्रेलिया कैनेडा तो बेसिकली हम अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की सर्विसेज दे रहे हैं विच आर वेरी एक्सपेंसिव एक्चुअली ठीक है तो कुछ मतलब कोई फिजिकल चीजें बना के दे रहे सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं और सॉफ्टवेयर दुनिया में कहीं कहीं भी बैठ के आप बना सकते हैं और इसकी एक बड़ी क्लासिक एग्जाम्पल है फेसबुक ने अब ये ऑफिशियल कर दिया है कि यू डोंट नीड टू तो टू कम ऑफिस मतलब वो आप अपना उन्हें लोकेशन बताते हैं कि मैं किस लोकेशन में काम कर रहा हूं दे विल एडजस्ट योर सैलरी एज पर दैट कंट्री लीडिंग सैलरी वो जो ही जो जो भी उसकी करेंसी यूनिट उस वक्त चल रहा उस, लेकिन लीडिंग लीडिंग, अच्छा फेसबुक अगर भीट से फेसबुक का बंदा अगर पाकिस्तान में काम कर रहा है तो पाकिस्तान वॉट इज द टॉप ही कैन गेट

Because इसका पेपर वर्क उन्होंने किया होगा दिस अ वेरी बिग डिसीजन कि जी अब ये अलाउ कर दें लोगों को लेट से वर्क फ्रॉम होम तो प्रोडक्टिविटी जो हो रही है जो वो काम कर रहे हैं क्या वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो तो ओवर द पीरियड ऑफ टू इयर्स आई मीन वी हैव रियलाइज के इट इज़ गुड इन सर्टेन केसेस यस यू नीड टू वर्क फ्रॉम ऑफिस लेट से जो हायर मैनेजमेंट है दे नीड टू टॉक मोर दे नीड टू कलेबरेट मोर तो दे शुड कम टू ऑफिस बट नॉट के सारी डिवेलपर्स या सारी ही आई के लोग हों और और यही रीजन है पाकिस्तान में आई की बूम की अक्रॉस द वर्ल्ड बूम की कि लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं टूवर्ड ऑनलाइन टूवर्ड ई कॉमर्स जब ई कॉमर्स में जाएंगे ऑनलाइन करेंगे तो आई है जिसमें ये काम करना सही, आपके सही, लिए सही अच्छा ये मैंने देखा है कि जो ट्रांजिशन है हर इंडस्ट्री की वो आप एजुकेशन को ले लें वो आप ट्रेडिंग को ले लें वो आप बिजनेस को ले लें Uh, जिस तरह इस वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले जब हम uh, ये सारे डिस्कस कर रहे थे चीज़ों को तो मैंने आपको बताया कि आई एम वेरी फाउंड ऑफ गोइंग टू द मार्केट आप मार्केट जा रहे हैं आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक एक्सपीरियंस रखते हैं फिर आप प्रोडक्ट देखते हैं प्रोडक्ट को देख के टच करके उसको फ़ील करके फिर आप वो चीज़ बाई करते हैं आपको चीज़ पसंद आती है, नहीं आती बट कोविड के पीरियड के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बाइंग किया है ठीक है ना सो इसका मतलब ये है कि कस्टमर जो हैं उनकी अप्रोच चेंज हुई है

करीम ऑफ बस ठीक है जैसे कोविड आया दे थॉट यार कि बसेस अब लोग ट्रैवल नहीं करेंगे ठीक है एंड दे सर्टनली इसके चेंज द बिजनेस मॉडल टू ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी ऑनलाइन हेल्थ डिलीवरी यानी मेडिसिन वगैरह ये वो नाउ दे हैव रेज लाइक टू मंथ्स एक एक महीने के दो महीने पहले वन फिफ्टी मिलियन डॉलर वन फिफ्टी मिलियन डॉलर यू इसको अगर आप पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो अरबों बनते हैं

मतलब अभी ये समझिए uh, व्हाट आई वाज जस्ट रीडिंग बिफोर कमिंग टू दिस सेशन कि जितनी स्टार्टअप्स के आईटी में मतलब आईटी के स्टार्टअप्स में जितनी फंडिंग पिछले दो साल में आई है ना जब से पाकिस्तान बना है और कोविड तक उससे उतनी फंडिंग नहीं आई कोविड तो ब्लेसिंग इन दिस गाइस ही हो गया एक्चुअली मतलब इट इज लाइक अराउंड 6 700 मिलियन डॉलर ऑफ सीड फंडिंग सीरीज ए फंडिंग इन पास्ट 2 3 इयर्स मतलब अगर आप इसको इसको जस्ट इफ यू जस्ट ट्रांसलेट इट

दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी के मतलब वो इंटरेक्शन खत्म होना होना है अब इट विल मतलब किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा ये होना है क्योंकि कोविड याद रखें अभी कहीं नहीं जा रहा कम हो जाएगा वैक्सीनेशन से लेकिन ये कह रहा था कि कोविड खत्म नहीं होगा बट वी नीड टू लर्न हाउ टू लिव विद ठीक है कोई बूस्टर आपको लगानी पड़ेगी कोई आप मतलब उसकी जो है वो कम हो जाएगी तो बट यूल चेंज 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 नहीं कर सकते आप किसी जगह जा नहीं पाए आप मार्केट्स में उस तरह से नहीं जा पाए तो उसका कोई ना कोई और ओवर सोलूशन डिजिटाइजेशन में था इवन ये मुझे मतलब हर साल दुबई में ना वो एग्जीबिशन होती है अक्टूबर में जी जी बिल्कुल। नाम नहीं आ रहा नहीं, नहीं, एक और होती है uh, हर साल अक्टूबर में होती है, हर, हर साल ना, में होती है। पिछले साल बिल्कुल वही फॉर्मेट वहाँ पे स्टार्टअप करते हैं इन्वेस्टर्स भी आते हैं कमी दामी अपने आपको शोकेस करती है उनके कोई मतलब छह सात लाख लोग आते हैं विजिटर्स इन जस्ट मेघाली फोर डेज वो लास्ट टाइम उन्होंने ठीक है ऑनलाइन में भी उतना ही रश था और उन्होंने ऑर्गोमेंटेड रियलिटी को यूज़ करके ना एक्चुअल फील दिया कि यार ओके okay, अगर मैंने वहाँ गया हूँ तो एक्चुअल वहाँ मुझे सारा आई कैन एक्चुअली टॉक विद पीपल मतलब ऑर्गोमेंटेड रियलिटी को यूज़ करते हुए एक्चुअली क्रिएट एनिमेशन आउट ऑफ दिस कि मेरी फॉर एग्जाम्प मैंने अपना एक ए, एक स्टॉल बुक कराया मैं एक्चुअली वहाँ एज ए मैं, मैं वहाँ प्रेजेंस हूँ और मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ आई कैन वॉक अराउंड आई कैन टॉक विथ पीपल सो वट आई एम सेंग इज के आपके जो बहुत सारी चीज़ें जो हम कभी इवन सोच भी नहीं थे सकते example, मतलब आप कभी जाए तो वहां पे एग्जाम्पल वहां पे खाते चलते हैं एक, 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 एक एक है उनका काम ही ये है कि जो ये खाते होते हैं उनको उनको पे मतलब उनको, उनको, उनको डिजिटाइज कर देना उनको क्लाउड पे ले जाएं तो आप जहाँ जाए आपका खाता आपको पूरे पूरे खाते उठा के लेके जाने पड़े आप क्लाउड से किसी वक्त भी आप सकते हैं रियल टाइम में कच यार कि मेरी कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है नो इट इज अ वेरी बिग चेंज इन माइंड सेट बिल्कुल रेवोल्यूशन टाइप चीज है लेकिन यह कि अब मजबूरी में लोगों को मतलब आप सिंपल ये सोचें कि कौन सी पेंट की दुकान है निपॉन पेंट उन्होंने ऑनलाइन कैलकुलेटर दे दिया है कि आप अपने कमरे का फॉर एग्जाम्पल अपने घर में पेंट कराना है यू कैन गिव द डायमेंशन दे विल रिकमेंड यू द कलर कम्बिनेशन विच यू शुड डू एंड यू कैन प्लेस ऑर्डर अब पेंट के डिब्बे का ऑर्डर अगर ऑनलाइन प्लेस कर सकते हैं बिल्कुल तो क्या बिल्कुल ऐसा <laughs> ही और, और लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंस एज वेल के आ, हम जब ट्रेनिंग पे गए चाइना में तो वहां पे उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना हाई कर दिया कि आई थिंक कि वो आ, इसको प्लेस करना चाह रहे थे ऑन एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट yes. तो जिस तरह ही कैमरा जो है अगर वो मेरा फेस को डिडक्ट कर रहा है तो उसने डिडक्ट कर लिया है एज जो काफ़ी हद तक अप्रोक्सीमेटली ठीक थी

बहुत कम है बहुत ही लिमिटेड है उन तक पहुंचना, उनसे अपॉइंटमेंट लेना अब टेलीमेडिसिन आ, आ गया मरहम आ गया आप गया। आप जाके वहाँ पर इवन के उनके लेक्चर्स भी ऑनलाइन सुन सकते yes. हैं और अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं सकते हैं तो वो आप अपनी रिपोर्ट्स के साथ

तो पाकिस्तान का जितना जीडीपी है ना तीन सौ तीन सौ बिलियन उसके गुना सिर्फ एप्पल की वर्थ है दो ट्रिलियन डॉलर इज जस्ट वन कंपनी ऐसा है है ठीक वो क्या बेचते हैं स्मार्टफोन बिल्कुल फोन बेचे ना ठीक है आईफोन बेच रहे हैं ठीक है बट दे आर मोर देन वट आई एम टेक इंटरप्रीनोरशिप को सही तरीके से जज करें पाकिस्तान में आई होप ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कि कोई ये सही तरीके से इसको कैपिटलाइज कर लेना अगर तो आईटी लाइक इंडिया है इंडिया की एक्सपोर्ट में खाली एक्सपोर्टी बिलियन डॉलर है और आई मीन वी हम लोग डेली काम करते हैं इंडियंस के साथ ठीक ठीक है थीक है अच्छे लोग हैं लेकिन वो हम लोग मतलब मैंने इंडियंस के साथ भी काम किया हुआ है जर्मन के साथ भी किया हुआ है ऑस्ट्रेलियन के साथ भी किया हुआ है आई कैन टेल यू फ्रॉम माई सेवनटीन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अभी बाद में इसलिए नहीं कर रहा कि मैं पाकिस्तानी हो तो वे को नेशनल ऐसे वो नहीं मैं कहानी सुना रहा आई एम टेक आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द द रियलिटी ना द रियलिटी फ्रॉम द प्रोफेशनलिज्म अच्छा पाकिस्तानी हम मतलब हम कहते हैं एक पाकिस्तानी ब्रेन वाइज तीन इंडियंस के बराबर है यानी जो टेक्निकल काम जो ब्रेन तीन इंडियंस का है ना वो उसके अगेंस्ट एक पाकिस्तानी का दिमाग है मतलब अगर हम सही तरीके से कैपिटलाइज़ करें करें सही तरह से चैनलाइज़ चैनलाइज़ करने 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 और तो ये हम खाली आईटी ही आपको ना इतनी एक्सपोर्ट लाके दे देगा कि जो ये मतलब टेक्सटाइल है पिछले पच्चीस साल से जब से मैं बड़ा हूँ ये सुना टेक्सटाइल की बिजली की छूट दे दें वो बीस मतलब टोटल मतलब

Hmm. अब बाइक बाइकिया अगर मॉडल देखें ना वो क्या करता है वो कहता है जी सपोज मैं ऑफिस बैठा हुआ और मुझे घर से कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है एमरजेंसी में अब मैंने आई कैन नॉट गो होम बट टाइम नहीं है तो बाइक को कॉल करें आप भाई घर से ना मेरा फॉर एग्जाम्पल बैग दे के तुम ऑफिस आ जाओ दे विल विल गो दे पिक योर बैग दे विल ड्रॉप अभी इतनी मैंने बिजली का बिल जमा कराना है दे विल कम टू योर होम पिक योर बिल पे करेंगे आ जाएंगे तो अब, अब

Uber और करीम का अपना कोई इन्वेंट्री नहीं है बिल्कुल जो आपका फेसबुक है उसके अपनी कोई इन्वेंट्री नहीं है कुछ नहीं बेच रहा वो मेरा और आपका डाटा बेच रहा है इंस्टाग्राम व्हाट्सएप क्या बेच रहा है बाइक है? कुछ है नहीं है लोग हो रहे है। उनकी अपनी कोई रही नहीं है बट like, uh... दे आर लाइक दे पीपल को आके अपने दूसरा अभी क्या कर रहे है? अब ये, ये लोग भी आपस में अब पार्टनरशिप फॉर एग्जांपल अब

यूनिवर्सिटीज आप बनाए जो ये कहते हैं हर जिले में यूनिवर्सिटी बनानी है whatever, बनाएं। ओ भाई लेकिन फिक्स द बेसिक्स तुम लोग स्किल्स बेस्ड एजुकेशन के नाम पे वो नहीं डिलीवर करे जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है मतलब रात को आई वॉज जी मतलब कि एक हजार जॉब्स आई हैं तो चौदह लाख बंदे ने अप्लाई किया हुआ है ठीक है अब वो क्या है किसी ने मतलब नॉन एलिमेंट एजुकेशन है मतलब तो

अब जब उसको फिल्टर आउट करना शुरू के पांच निकले इंटरव्यू तक पांच पहुंचे एक को काम आता था अब जस्ट ट्राई टू तो इमेजिन कि दिस इज अगर मैं बड़ा महंगा आवर ठीक है मैंने, क्या ना, मैं इन्वॉल्व हो रहा हूं मेरा मैंने आर्किटेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है एंड में क्या पता लग रहा है भाई सात सो में दो लोग काम के थे तो आप खुद सोचेंगे क्योंकि मुझे ये बता दे कि यार ये एक जगह है जहाँ पे तुम्हें तो पाँच दस लोग बड़े काम के मिल जाएंगे तो मैं तो जस्ट ट्राइ टू मो है ना, ये चीज़ जो हमारे दे नीड टू लर्न दे नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द इंसाइडर बिल्कुल मतलब यू कैन डू द मीटिंग विद ये जितने बाबे हमारे हैं बिल्कुल करें बट दे ट्राई टू फिक्सिंग काम करो यार्स करो उसे सही. तो ये सबसे बड़ी इंसाइट है कि ट्राइ स्किल्स जिसके बाद आप टेकमेन और भी बन सकते हो जॉब कर सकते हो हाईली पेड जॉब की बात पांच दस चालीस पचास हजार लाख वाली बात नहीं कर रहा

और इस आपकी डिस्कशन से ना मुझे यही चीज बार बार आ रही है कि जो आ, डिग्री है उसकी अपनी अहमियत है लेकिन डिग्री के साथ साथ आपका एक स्किलफुल होना yes. पहली शर्त है है और ये टेक से डायरेक्टली लिंक बिल्कुल टेक टेक ही नहीं की तो मैं क्यों डिग्री करूँ और भाई वो हॉर्वर्ड था हार्वर्ड में पढ़ रहा है वो माइक गेट्स है भाई अब वो हार्वर्ड का ड्रॉप आउट है ठीक है हाँ, एक एक, एक, दूसरी बात एक, है है। उन्होंने एग्जांपल स्टीव जॉब है इसके बारे में बड़ा मशहूर है कि ये एमआईटी सॉरी स्टैनफोर्ड के कॉन्वकेशन में गया एज अ चीफ गेस्ट और उसने सेंटेंस बोला दिस इज दियरेस्ट आई आई कैन कम अ यूनिवर्सिटी क्योंकि वो कभी यूनिवर्सिटी ही नहीं

आप इंक्यूबेशन क्योंकि मेरे थोड़ी इंटरेक्शन होती रहती है इंक्यूबेशन सेंटर में जो आते हैं ना ग्रुप वो कहते हैं जी कि हमारी डिग्री में तो देखिए मैं तो कंप्यूटर साइंस में रोल हूँ तो मैं तो जी देखें टेक इंटरप्रनोर तो बन गया ना तो मेरे पास तो डिग्री है फाइन अब मुझे फंड दे दें अब एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट वेबसाइट डेवलप करवा रहा है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के इंटरनी से भाई तूने क्या सीखा है कहते नहीं मैं टेक इंटरप्रोनोर भाई मैंने नहीं मतलब

जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे को बेसिक नीड है वो सही तरीके से दे दो बस और वो स्किल है है सही ठीक अर्ली स्टेज में हम, uh, हम कामयाब होंगे किसी जगह पर हम yes. कामयाब नहीं भी होंगे और डे एंड के ऊपर फ्यूचर यही है देखिए इसमें सिंपल सा मुझे अच्छा लगे चाहे आपको अच्छा लगे चाहे अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे

मतलब ये बस लोग आते हैं सर ये बहुत शरीफ बंदा है तो अब इसको हायर कर लें मैं कहता तो हूँ भाई मैंने उसको मस्जिद का इमाम नहीं बनाना शरीफ अच्छी, अच्छी बात है भाई अगर उसकी डिग्री कंप्यूटर साइंस की है और वो कहते। और बहुत दफा इंटरव्यू हमारे साथ होता है कि डिग्री कंप्यूटर साइंस की है और कंप्यूटर साइंस का कोर है कि आपको प्रोग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए बेसिकली बिल्कुल अब वो नेक बंदा है पांच वक्त नमाजी हर चीज़ है

उसका, उसका क्रक्स खुद ही सुना सुना इसका रीजन है मैं मैसेज मोमेंट इसलिए कि हक, हक, हक में नहीं होता कि आई एम नो वन टू गिव मैसेज टू समवन अच्छा मैसेज का मैसेज का मतलब ये होता, होता, है।, होता, है।, होता है, है, है नहीं नहीं मैसेज का मैसेज का मतलब ये होता है कि जो आपका एक्सपीरियंस है ना बेसिकली हम उस एक्सपीरियंस का निचोड़ आपसे सुनना चाह रहे होते हैं सिंपल सा अच्छा, मैं आपको समराइज अगर मैं कर दूं ना अगर आपने करना तो आप कर ले मैं सिंपल सा मैं सिंपल लेकर जो पॉइंट रह जाएगा फिर वो मैं हां वो आप ऐड कर देना सिंपल सा पॉइंट ये कि भाई कम आउट ऑफ फैंटेसी वर्ल्ड ट्राई टू लर्न दोस थिंग्स जो कि

फोर जीपीए कर दिया हमें खुश हो जाएंगे भाई जब जॉब के लिए आओगे सबसे पहली चीज होगी कि साइड पर जीपीए बताना नहीं है आओ इंटरव्यू करें चीज जो आपने पढ़ा है सही तरीके बिल्कुल है। सही है। से बिल्कुल ही आपसे किसी ने ये नहीं पूछना कि कि चौदह सुना दो यू आर कंप्यूटर साइंस बिल्कुल मेरे ख्याल से इस पूरे डिस्कशन में जो मेन पॉइंट थे टेक ऑनट्रपनीशिप को लेके नंबर पहली बात तो ये कि टेक ऑनटरपेनोरशिप इज़ अ फ्यूचर यस ठीक है, yes, है एक एक पहली बात तो याद आती है और दूसरी बात याद रहती है कि टेक ऑनटरपेनोरशिप की सबसे ज्यादा खूबसूरती जो है वो यही है कि इसके अंदर आप अपना आइडिया अगर तो वो अच्छा आइडिया है वेल well प्लान है वेल well कुक्ड है तो चाहे आप इनक्यूबेशन सेंटर बैठे हो yes. चाहे आप खुद अपने घर बैठे हो या यूनिवर्सिटी बैठे हो अगर वो अच्छा आइडिया है तो आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है no, no. एक हम्बल से भी yes. आप कर सकते हैं शिराज ने जितनी भी आपको एग्जाम्पल्स बताई हैं फेसबुक से लेकर और बाकी सारी दे वर वेरी हम्बल स्टार्ट और आज वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी दुनिया को इस वक्त मेरे मेरे हिसाब से टेक ओवर करके बैठे

कॉन्स्टेंट अपग्रेडिंग की जरूरत है आपके स्किल्स की भी और आपकी टीम की भी फिराज थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम ठीक है और हम इन इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे सी इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू